भदुरवा जिस तरह से अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वैसे ही भदुरवाई राजमाश और भदुरवाई कड़म का अचार बड़ा मशहूर है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कड़म का अचार किस तरह से डाला जाता है। सबसे पहले कड़म काटा जाएगा, उसके बाद कड़म उबाला जाएगा, उबालने के बाद कड़म सुखाया जाएगा चार या पाँच दिन, और उसके बाद फिर कड़म का अचार डाला जाएगा। सारा कुछ आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप हमारी बैकग्राउंड में देख रहे हैं कड़म का खेत, और मेरी साइड में आप देख रहे हैं तनुजा कुमारी। तनुजा के हाथ में ड्लात, ये ड्लात काटेगा कड़म। तनुजा जी चलिए फिर आप कड़म काट के और निकाल के दिखाएं। चलिए चलिए। ये देखिए, ये आ गया हमारा कड़म। ये देखिए, ये आ गया हमारा खेत। ये देखिए, ये आ गया हमारा ड्लात। ये देखिए, ये आ गए तनुजा के हाथ। ये आ गया हमारा साथ। ये देखिए, अब आपको तनुजा कड़म काट के दिखाएगी। क्या बोल रहा है बार बार? ये देखिए, ये देखिए, बस बंद करो कैमरा। अभी तनुजा ने आपको कड़म काट के बताया, अब ये देखिए, ये आपको कड़म निकाल के बताएगी। क्या लगा आपने? ये देखिए, अब कड़म को बस सिर्फ ना निकाल के बताना, बस खाली निकाल। अभी तो निकाला नहीं, बस थोड़ा सा ये निकाल के। ये देखिए, ये अब आपको क्या लगा आपने तब से? ये देखिए, ये देखिए, प्लीज यार थोड़ा सा नहीं, बंद करो बस। ये देखिए, अभी आपको कड़म निकाल के बताएगी। ये देखिए, तनुजा अब आपको बता रही है कड़म किस तरह से निकालते हैं। निकालिए, जोर लगाओ, जोर लगाओ, थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा जोर। नहीं निकल रहा। ट्राई करो यार, आप तो बोलते हो मैं शेरनी हूँ। शेरनी नहीं निकल रहा। शाबाश शाबाश, ट्राई करो, ट्राई करो, और जोर लगाओ। नहीं निकल रहा। हद है यार, कमाल है, शेरनी। शेरनी, चलिए मैं आपको बताता हूँ कड़म किस तरह से निकालते हैं। हद है यार, मैं बताता हूँ कड़म किस तरह से। शेरनी, बड़ा शेरनी बोलती है ना। ये देख, एक दो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए निकल गया। ये देखिए निकल गया यार। ये देखिए, आइए अब आपको बताते हैं कड़म का अचार किस तरह से कड़म का चार किस तरह से डाला जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। चलिए आपको बताते हैं, आप कड़म को पहले घर लेते हैं, उसके बाद इसे उबालेंगे और फिर कड़म का चार। ये देखिए, चलिए कड़म काटने के बाद अब कड़म को हम घर लेते हुए, ये देखिए कड़म का अचार डालने की प्रक्रिया में अब बारी है कड़म को साफ करने की और कड़म को काटने की। कड़म अलग अलग तरीकों से काटा जाता है, उनमें से एक ये वाला तरीका भी है। काटते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखें कि काटने के बाद कड़म का आकार इस प्रकार का होना चाहिए। कड़म को काटने के बाद उसको फिर उबालना होता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से उसे उबाला जाता है, क्योंकि कड़म और आपका अचार आपने बहुत ज़्यादा डालना होता है, इसलिए सबसे पहले आपके पास एक देसी चूल्हा आपको तैयार करना, और एक बड़ा सा पतीला। हमारे भाभी जी और हमारा तेजल बेटा कड़म उबालते हुए, ये देखिए। और जब आपका कड़म उबल जाए, फिर आपको
इस तरह से इसको धूप में सुखाने डालना पड़ता है और कम से कम 5-6 दिन, और जब ये अच्छे से सूख जाए फिर आप समझ लो कि आपका कड़म जो है अचार डालने के लिए तैयार हो गया है। सूख के ये कैसे तैयार होता है आपको बाद में दिखाएंगे। Three days later. 4-5 दिन अच्छी सी धूप में रखने के बाद जब आपके कड़म की शक्ल बस इस तरह से हो जाती है आप समझ जाएं कि आपका कड़म जो है अचार डालने के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए आज शाम को हम अचार डालेंगे और किस तरह से अचार डाला जाता है चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। अब इस कड़म को हम लेके चले अंदर बुखारी के पास और चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कड़म का अचार कैसे डालते हैं। चलिए ये देखिए ये आ गई हमारी बुखारी जहां मिलजुल के बैठता है परिवार तो बढ़ता है प्यार। इस कड़म का डाला जाएगा अचार। ये आगे हमारे मसाले जो जाएंगे अचार में डाले। ये आ गया हमारा तेल जिससे पापा अपने हाथों से रचाएंगे खेल। ये आगे मेरे पापा जी के हाथ। आप बने रहें हमारे साथ। अचार डालने के लिए क्योंकि आपका अचार अच्छे से मिक्स हो आपके पास इतना बड़ा टप होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अचार को मसालों में मिक्स कर सकें। सबसे पहले अचार में नमक डाला जाएगा। आइए अब आपको अचार में डालने वाले सारे मसाले दिखाते हैं। ये आ गई हमारी पीसी हुई मिर्ची, ये आ गया हमारा पिसा हुआ मिक्स मसाला, ये आ गई हमारी हल्दी, ये आ गया हमारा जर्दा और ये आ गया हमारा ज़ीरा और ये तेल। अचार में नमक मिला दिया है अब तेल डाला जाएगा। पहले नमक फिर तेल और उसके बाद इसमें मिक्स मिर्ची डाली जाएगी। ये हमारे पापा जी अब ये आगे हमारा मिक्स मसाला। मसाले के बाद अब जीरा डाला जाएगा। अब हल्दी डाली जाएगी। ये मेरे अम्मा जी। सारा कुछ डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। सारे मसाले इसमें मिल चुके हैं। अब इसको इस बड़े से डब्बे में डाला जाएगा।
जब अचार की शक्ल ऐसे दिखे तो आप समझ जाएं कि अचार अच्छे से मिक्स हुआ है और इसमें मसाले भी अच्छे से मिक्स हुए हैं। मैं अचार डालते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि इसमें ये अच्छे से सेट हो, और सेट करने के लिए इसको जोर जोर से दबाना पड़ता है। बापू तिश हाथ ना फोमड़ देने मर्जी सोचे पर न दे हूं अचार लग रो। भद्रवाही कड़म के अचार का स्वाद लाजवाब, और वो भी मेरे पापा के हाथ का डाला अचार। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। बड़े से इस डब्बे में अचार डालने के बाद पापा जी अब इस डब्बे में अचार भरें, और जिन जिन के मुंह में अचार को देख के पानी आ रहा है, कृपया हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमसे संपर्क करें। देखिए अब हमारा अचार डब्बे में पैक हो गया है, और पैक करने के बाद इसे गर्म टेम्परेचर में रखा जाएगा 3-4 दिन, और 3-4 दिन के बाद जब ये उबल जाएगा, जब इससे तेल बाहर निकलेगा, आप समझ लें कि आपका अचार खाने के लिए तैयार हो गया है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे किसी अन्य वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Skywalker, I assumed wrongly. भद्रवा जिस तरह से अपनी फ्लैट मोड पर था, भद्रवा जिस तरह से अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वैसे ही भद्रवा भद्रवा जिस तरह से अपनी खूबसूरती को व्यू कितना सही आ रहा है। वाह जी वाह, आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बेवरू कम। लास्ट लास्ट चल, अच्छा चलो कर बंद। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, इसको बिना बात करने की जीवन निकाल रही है।